हेलो गाइस, वेलकम टू कजीत मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम एमडीएमएस की ऑल इंडिया कोटा के राउंड वन और राउंड टू के बीच में डिफरेंसेस देखने वाले हैं कि 2019 में किन किन फैक्टर्स पे राउंड वन की कट ऑफ और राउंड टू की कट ऑफ वैरी की थी, और 2020 में भी हम देखेंगे कि कितनी सीटें बढ़ने वाली है और उस हिसाब से राउंड वन में ब्रांच वाइज कट ऑफ कितनी जाने वाली है, और जब हम राउंड टू के लिए बढ़ेंगे तो उन ब्रांचेस की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कुछ फैक्टर्स जिन पे ये चीजें डिपेंड करती है वो है जैसे कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जा रही है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स डिप्लोमा की डिग्री में कन्वर्ट की जा रही है, प्लस कितने स्टूडेंट्स ने इस बार एग्जाम दिया और इस बार का पेपर कैसा था, लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेवल कैसी थी, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था या फिर इजी था। तो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कट ऑफ एनालिसिस भी, और कितनी शिफ्ट रह सकती है राउंड वन और राउंड टू के बीच में वो भी चीज इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो आज हम इस वीडियो में उसी फैक्टर्स को देखने वाले हैं, साथ में हम ये देखेंगे कि राउंड वन में ब्रांच वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है ऑल इंडिया कोटा की, और साथ में राउंड टू में ऑल इंडिया कोटा के राउंड टू कट ऑफ कितनी जा सकती है और उसके बीच का डिफरेंस कितना रह सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि 2019 में जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग 1263 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में इंक्रीज की गई थी, ऐड की गई थी। ऑल इंडिया कोटा में 1263 सीट्स न्यू सीट्स इंक्लूड की गई थी। और डिप्लोमा सीटों की बात करें, जिन डिप्लोमा सीटों को डिग्री सीटों में कन्वर्ट किया गया था वो थे 2135। तो लगभग अगर देखें तो 3300 के आसपास सीटों को बढ़ाया गया था एमडीएमएस के लिए और ऑल इंडिया कोटा में। तो इन 3300 सीटों का जब हमने डिफरेंस देखा तो वो कुछ एक डिफरेंस निकल के आया और उसका कुछ एनालिसिस निकल के आया। अब इन फैक्टर्स को अगर 2020 में हम लागू करें, 2020 में देखें कि कितनी सीट्स बढ़ाई जा रही हैं, तो लगभग अभी तक जो नोटिफिकेशन आए हैं वो 2400 सीट्स के आसपास बढ़ाए जाने वाले हैं। और कुछ डिप्लोमा सीट्स भी, क्योंकि गवर्नमेंट डिप्लोमा सीट्स को अब खत्म करने जा रही है धीरे धीरे, तो फिर उन सीटों को भी डिग्री सीटों में कन्वर्ट करने जा रही है। तो कुछ सीटें होंगी डिप्लोमा की जो कि जिनको डिग्री में भी चेंज किया कन्वर्ट किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि 2020 में राउंड वन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ ब्रांच वाइज क्या हो सकती है और फिर राउंड टू में एक्सपेक्टेड कट ऑफ ब्रांच वाइज क्या रह सकती है, और उन राउंड वन और राउंड टू के बीच का जो रैंक का डिफरेंस है वो कितना हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे डर्मेटोलॉजी की। एमडी डर्मेटोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो राउंड वन की कट ऑफ 3000 तक जा सकती है, राउंड टू में ज्यादा चेंजेस होंगे नहीं। राउंड टू में 100 या 200 का डिफरेंस हो सकता है, 3100 या 3200 तक राउंड टू की कट ऑफ रह सकती है। एमडी रेडियो डायग्नोसिस की बात करें तो राउंड वन में 2600 के आसपास कट ऑफ जा सकती है ऑल इंडिया कोटा की। जो राउंड वन क्लोजिंग रैंक होगी वो 2600 के आसपास रह सकती है, और राउंड वन में 2600 के आसपास रह सकती है, और राउंड टू की जब हम बात करते हैं लगभग 500 का डिफरेंसेस आ सकता है रेडियो डायग्नोसिस पे, क्योंकि जिस तरीके से सीट बढ़ाई गई है उस हिसाब से। और 3200 के आसपास आप मान के चलिए कि 3200 के आसपास राउंड टू की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रह सकती है ऑल इंडिया कोटा की एमडी रेडियो डायग्नोसिस के लिए। एमडी स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात करें तो 3700 के आसपास राउंड वन की कट ऑफ रह सकती है, 3500 से लेकर के 3700 के बीच। और वहीं अगर राउंड टू की बात करें तो 300 का डिफरेंस आ सकता है, 300 से 500 के बीच का डिफरेंस आ सकता है राउंड टू में, इतनी रैंक शिफ्ट कर सकती है। उस तरीके से अगर देखें तो 4000 से लेकर के 4200 तक आपकी डिफरेंसेस आ सकती है स्पोर्ट्स मेडिसिन में। एमडी न्यूक्लियर मेडिसिन की बात करें तो 3800 ऑल इंडिया कोटा की राउंड वन की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ जा सकती है, और राउंड टू की जब बात करें तो लगभग 1200 का डिफरेंस उसमें आ सकता है, 1000-1200 का। तो अगर देखें तो 4800 से लेकर के 5000 के बीच में राउंड टू की ऑल इंडिया कोटा की राउंड टू की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रह सकती है।
एमडी जनरल मेडिसिन की अगर बात करें तो 4700 तक के स्टूडेंट को फोर्थ रैंक जो है ऑल इंडिया रैंक 4700 रैंक तक को राउंड वन ऑल इंडिया कोटा की राउंड वन काउंसलिंग में सीट मिल सकती है मेडिसिन। और वहीं अगर राउंड टू की बात करें तो लगभग 800 का डिफरेंस आ सकता है 800 to 1000 का, जो अगर देखें रैंकिंग में तो 5500 से लेकर के 5700 तक जो है वो राउंड टू में जाने के चांसेस है। एमडी पेडियाट्रिक्स की बात करें तो 4700 के आसपास राउंड वन की क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रह सकती है, और अगर राउंड टू की बात करें तो 5200 तक का कट ऑफ जा सकता है। अगर पॉजिटिव इंक्रीज देखें, पॉजिटिव शिफ्ट देखें, तो पॉजिटिव शिफ्ट लगभग 500 का निकल के आता है कि 500-600 का पॉजिटिव शिफ्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है राउंड टू में। एमडी टीबी एंड चेस्ट की बात करें तो राउंड वन में 6200 के आसपास के जो रैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको राउंड वन में सीटें मिल सकती है एमडी टीबी एंड चेस्ट। और वहीं अगर राउंड टू की बात करें तो ज्यादा डिफरेंसेस इनमें नहीं आने के चांसेस हैं, कम ही डिफरेंसेस रहेंगे, 300-400 रैंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है राउंड टू में। तो राउंड टू में जो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ होगी वो कहीं ना कहीं 5200 के आसपास रह सकती है, राउंड टू में 5200 के आसपास टीबी चेस्ट मिल सकता है। एमएस ऑर्थोपेडिक्स की बात करें तो राउंड वन में 6000 के आसपास क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रहने के चांसेस हैं, वहीं अगर राउंड टू की बात करें तो 7200 के आसपास जो 800 का लगभग 1200 का इंक्रीज आपको पॉजिटिव शिफ्ट राउंड टू में देखने को मिल सकता है। तो देखें तो 7000 से लेकर के 7200 तक की ऑल इंडिया रैंक वाले स्टूडेंट को ऑर्थोपेडिक्स राउंड टू में मिल सकता है ऑल इंडिया रैंकिंग में ऑल इंडिया कोटा की 50% सीटों पे। वहीं अगर ऑप्स गायना की बात करें तो 8200 तक जो है वो क्लोजिंग रैंक कट ऑफ रह सकती है फर्स्ट राउंड की ऑल इंडिया कोटा की राउंड वन में। वहीं अगर राउंड टू की बात करें तो ये 800 की शिफ्ट ले सकती है राउंड टू के लिए, जो अगर देखें रैंकिंग वाइज तो 9000 तक के रैंक तक के स्टूडेंट को जिनकी जो रैंक है ऑल इंडिया रैंक वो 9000 आई है, तो 9000 तक की क्लोजिंग रैंक जा सकती है राउंड टू ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में। एमएस जनरल सर्जरी की बात करें तो 8300 रैंक वालों तक को मिल सकता है जनरल सर्जरी राउंड वन में ऑल इंडिया कोटा की राउंड वन में। वहीं अगर राउंड टू की बात करें तो लगभग 700-800 रैंक का डिफरेंस हो सकता है, रैंक का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है। तो 9000 के आसपास आपको अगर आपको जनरल सर्जरी चाहिए तो राउंड टू में आपको मिलने के चांसेस हैं। वहीं अगर ऑप्थेमोलॉजी की बात करें तो राउंड वन में ऑप्थेमोलॉजी 10000 तक जा सकती है ऑल इंडिया कोटा की राउंड वन काउंसलिंग में, 10000 रैंक तक ऑप्थेमोलॉजी मिल सकती है। वहीं अगर राउंड टू की बात करें तो 1000 या फिर 1200 का शिफ्ट देखने को मिल सकता है राउंड टू में। तो अगर देखें तो 11000 से लेकर के 11200 तक आपको राउंड टू में ऑल इंडिया कोटा की राउंड टू में आपको सीट मिल सकती है ऑप्थेमोलॉजी अगर आप चाहते हैं तो। ईएनटी की बात करें तो ईएनटी राउंड वन में 11000 तक को मिलने के चांसेस हैं, 11000 जो रैंक लेकर के आ रहे हैं और अगर उनको ईएनटी चाहिए तो राउंड वन में उनको मिलने के चांसेस हैं। वहीं अगर राउंड टू का शिफ्ट देखें तो लगभग 2000 रैंक का शिफ्ट देखने को मिल सकता है, और अगर इस 2000 शिफ्ट को देखें तो लगभग 13000 रैंक तक को ईएनटी ऑल इंडिया कोटा की राउंड टू काउंसलिंग में मिलने के चांसेस हैं। एमडी साइकेट्रिक की बात करें तो राउंड वन में 12000 रैंक तक को मिल सकता है साइकेट्रिक, और अगर वहीं अगर शिफ्ट देखें राउंड टू के लिए तो राउंड टू के लिए 1000 रैंक जो है 1000 रैंक की शिफ्ट देखने को मिल सकती है। तो राउंड टू में 13000 ऑल इंडिया रैंक तक के स्टूडेंट को साइकेट्रिक मिलने के चांसेस हैं। वहीं एनेस्थीसियोलॉजी की बात करें तो एनेस्थीसियोलॉजी राउंड वन काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटा की जो राउंड वन काउंसलिंग उसमें 14500 तक के स्टूडेंट को एमडी एनेस्थीसियोलॉजी मिलने के चांसेस हैं। वहीं अगर राउंड टू की बात करें तो 16000 तक ये शिफ्ट होकर के जा सकता है, टोटल 1500 का शिफ्ट हम लोग मान के चल सकते हैं कि राउंड टू में ये 16000 तक जाने के चांसेस रहेंगे। एमडी पैथोलॉजी की बात करें तो एमडी पैथोलॉजी राउंड वन में 22000 मिलने के चांसेस हैं, 22000 रैंक जिनके हैं उनको एमडी पैथोलॉजी मिल जाएगी ऑल इंडिया कोटा की राउंड वन काउंसलिंग में। वहीं अगर राउंड टू काउंसलिंग की बात करें तो राउंड टू काउंसलिंग में ये 26000 तक बढ़ने के चांसेस है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनमें से किसी में मैंने ज्यादा कट ऑफ का शिफ्ट बोला है, किसी में मैंने कम कट ऑफ का शिफ्ट बोला है, तो ये कुछ इस वजह से, इस रीजन से है कि जैसा मैंने आपको बताया कि 2400
जो सीटें हैं वो उनको बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशंस आए हैं। इस बार 2400 सीटों को बढ़ाने के लिए नोटिफिकेशंस आए हैं और डिप्लोमा की सीट्स भी कन्वर्ट हो रही है डिग्री की सीट्स में। तो ये जो न्यू नोटिफिकेशन जो आए हैं न्यू सीटों को बढ़ाने के लिए, उसमें सबसे अधिक सीटें जो हैं वो ऑप्स गायना की या फिर जनरल मेडिसिन की, पेडियाट्रिक्स की, इनकी सीटें हैं। इस वजह से इन ब्रांचेस की जो शिफ्ट है वो थोड़ी ज्यादा रहेगी दूसरे ब्रांचेस के कंपैरिजन में। और यही रीजन है कि मैंने दूसरे ब्रांचेस के कंपैरिजन में जो कुछ ब्रांचेस हैं उनकी शिफ्ट थोड़ी ज्यादा रखी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं आपको काउंसलिंग के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमसे हर एक चीज पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को पोस्ट करके आप हमसे उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आई डेफिनेटली आंसर यू ऑन योर डाउट्स। और अगर आपको काउंसलिंग से रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी अपडेट्स चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको आपकी जो रैंकिंग जो 31st ऑफ जनवरी 2020 को जब आपकी रिजल्ट आ जाएगी नीट पीजी एमडीएमएस की, तो उसके बाद आप लोगों को स्ट्रैटेजी बनानी होगी काउंसलिंग को लेकर के। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी में अगर कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम आपके उस स्ट्रैटेजी में योगदान दें, आपके स्ट्रैटेजी में आपकी मदद करें, तो आप डेफिनेटली हमारी पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट्स और कुछ और एनालिसिस के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।